सर, शाइनिंग स्टार्स प्रोग्राम में आपको वेलकम कहता है। आज का प्रोग्राम बहुत ज़बरदस्त हो रहा है। आपकी लाइव कॉल्स बहुत ज़्यादा आ रही हैं और हम बीच में सिलेक्टिव कॉल्स आज शामिल कर रहे हैं। ज़्यादा कॉल्स इसलिए शामिल नहीं कर रहे कि इनकी बातें, इनकी एक एक बात एक एक लाख रुपए की है, तो हम वो बातें ज़ाया नहीं करना चाहते। माशाल्लाह बड़ी बिग सेलिब्रिटीज़ हमारे साथ मौजूद है, बड़ी ज़बरदस्त किस्म की बातें हो रही हैं। नासिरुद्दीन साहब से मैंने एक बात पूछनी है कि सर, आपने अपनी ज़िंदगी का निचोड़ क्या निकाला है, और मतलब क्या क्या उसका कंक्लूजन है? हालांकि वो आप अभी तक 18 साल के थे। अभी तक नहीं, ये तंज ना करें, वो ही 18। सॉरी, मेरे बेटे ने पूछा कि अब्बू आप जो कहते हैं 18 साल के आप जवान हैं, इसका सबूत क्या है? मैंने कहा बेटा मैं साबित कर सकता हूँ, आज भी सुनिए बताएं। मैंने कहा यार गांव में हमारे घर में एक बहुत बड़ा पत्थर था, तो जिस वक्त मैं 18 साल का था, मैंने उसे उठाने की कोशिश की, मैं नहीं उठा सका और मैं आज भी नहीं उठा सकता। लिहाजा मैं सबसे बड़ा सबूत और क्या है? क्या बात है? तो जिंदगी का निचोड़ सर, मैंने जो अपनी उम्र में सीखा, अल्लाह ताला का लाख लाख शुक्र है, तफासिर भी पढ़ी, अहदीस भी पढ़ी और इस्लामी कुतुब भी पढ़ी, औलिया अल्लाह के कलाम भी पढ़े, उनकी किताबें भी पढ़ी, इमाम ग़ज़ाली साहब की किमिया सआदत भी पढ़ी, नाजुल बलागा भी पढ़ी मैंने, कशफुल माजूब भी पढ़ी। रिजल्ट एक ही निकाला था कि आप जो खुदा को राज़ी करने के लिए जन्नत ढूंढते हैं, नमाज़ें पढ़ते हैं, तहज्जुद पढ़ते हैं, रातों को जागते हैं, जहाद करते हैं, तकवा करते हैं, सर्दियों में जागते हैं, बेशक करें, ये भी एक शरह है, इसमें कोई बात नहीं, सब करें, लेकिन सिर्फ मेरा एक फतवा है, एक चीज़ पर अमर करें कि क़यामत के रोज़ हशर का जब मैदान लगेगा, जब तुम्हारा हिसाब शुरू हो, तो तुम्हारे खिलाफ इंसान कोई खड़ा ना हो। क्या अल्लाह आपको कुछ नहीं कहेगा, मैं ये गारंटी करता हूँ। क्योंकि उसने तो ये खुद फरमा दिया, मा यफलुल्लाह बे अज़ाबकुम इन शकरतुम व आमनतुम, कि मैं अल्लाह को तुम्हें अज़ाब देकर क्या मिलेगा। कामरान साहब, हमारे सजदों से वो बड़ा नहीं होता और हमारे सजदा ना करने से नऊज़ु बिल्लाह वो छोटा नहीं होता। वो हर हाल में अल्लाह, वो हर हाल में अल्लाह रहेगा। लेकिन उसने जो आपके इर्द गिर्द लोग पैदा किए, देखिए हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब इस दुनिया से गए तो उनकी ज़ुबान पर दो अल्फाज थे, पहला लफ्ज़ था नमाज, दूसरा लफ्ज़ था गुलाम। नमाज किसी हाल में भी माफ़ नहीं, इसलिए उन्होंने कहा। और गुलाम कौन है? गुलाम वो नहीं जो आपका ज़ारखीद गुलाम, जो आपके अंडर है वो आपका गुलाम, आपके बच्चे आपके गुलाम हैं, आपकी बीवी आपके गुलाम है, आपके मुलाजिम आपके गुलाम हैं, जो लोग आपसे कम तर हैं वो सारे आपके गुलाम हैं, उनके साथ अच्छा सलूक करें। क्या बात, क्या बहुत खूबसूरत बात। ये दो बातें वो छोड़ के गए और इन्हीं दो बातों के हमें वो भूल जाते हैं, इसीलिए वो गौसे आज़म के कौल है कि अगर तेरे अंदर ज़रा सा भी गुस्सा और गरूर हो तो अपने लोग आपको नेक लोगों में शुमार न करना। क्या बात है। रबीना जी, अब शायरी हो जानी चाहिए, कोई फिट सी, कोई खूबसूरत सी शायरी, और ये शायरी आप किसको डेडिकेट करने जा रही हैं? हमेशा पंजाबी फिल्म बहुत लिखी है तो इनके लिए पंजाबी कलाम लिख कर लाई हूँ मैं। सिर्फ कद ताड़े थोड़ा वड्डा आपकी फिल्म देखी, क्या जो मैं दान की कोशिश कर रहा तो फोन आना बंद हो गया। अच्छा, मतलब आपके कारण वो तरस गया कि आपको फोन आए नासिरुद्दीन आई लव यू। हाँ जी है, वो अच्छा, वो डरते मारे नहीं कहते सर, जो कुछ झाड़ना पा इतने नहीं, मैं चाहना मेरे बेशक जिन्ना मर्जी मैं झाड़ा पा ला। मैं रब दी दिन नेमत जड़ी रब ने दी इंसान
ਇਹ ਬੜੇ ਘੱਟ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਜੋ ਮੈਂ ਸਮਝਿਆ ਉਹਦੇ ਕਲਾਮੇ ਪਾਕ ਪੜ੍ਹਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰੱਬ ਨੇ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਮੁਹੱਬਤ ਅਤਾ ਔਰ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਮਖਲੂਕ ਨੂੰ ਮਾਂ ਤੋਂ 70 ਗੁਣਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਿਆ ਬਾਤ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਕੀ ਤੋਹਫ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਰੱਬ ਨੇ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਇਹ ਦੱਸਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਮੁਹੱਬਤ ਕਰੋ ਤੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਲੜਕੀ ਨੂੰ ਮਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੁਹੱਬਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸ਼ਾਇਦ ਇਸੇ ਵਾਸਤੇ ਨਾਕਾਮ ਲੇਕਿਨ ਮੁਹੱਬਤ ਕਰਨਾ ਇਬਾਦਤ ਹੈ ਸਰ ਬਸ਼ਰਤੇ ਕਿਨੂੰ ਗਲਾਜ਼ਤ ਨਾ ਬਣਾਓ ਗੱਲ ਉਹੀ ਹੈ ਕਿ ਡਾਕੂ ਨਾ ਬਣੋ ਸੌਦਾਗਰ ਸਿਰਫ ਸ਼ਾਇਰ ਹੋਵੇ ਤੋ ਹੱਥ ਚ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਕਾ ਵੋਲਿਊਮ ਬੰਦ ਕਰੇ ਔਰ ਇਸ ਵਕਤ ਆਪ ਔਨ ਏਅਰ ਹੈ ਔਨ ਨਿਊਜ਼ ਪੇਜ ਹੈਲੋ ਹੈਲੋ ਆਪਣੇ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਜੀ ਆਪਕੀ ਕਾਲ ਡ੍ਰੌਪ ਇਸ ਲਈ ਕਰ ਦੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਆਪਨੇ ਆਪਣੇ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਕਾ ਵੋਲਿਊਮ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਕੀਆ ਹੁਆ ਥਾ ਔਰ ਆਪਣੇ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਕਾ ਵੋਲਿਊਮ ਅਗਰ ਆਪ ਕਮ ਕਰਕੇ ਹਮੇਂ ਕਾਲ ਕਰੇਂਗੇ ਤੋ ਬੜੀ ਅੱਛੀ ਤਰੀਕੇ ਸੇ ਬਾਤ ਹੋ ਜਾਇਆ ਕਰੇਗੀ ਜੀ ਰੁਬੀਨਾ ਜੀ ਪੰਜਾਬੀ ਸ਼ਾਇਰੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਚਾਹਤੀ ਹੂੰ ਆਪਸੇ ਔਰ ਯੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਅਬੀਲ ਕੇ ਲੀਏ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਖੁਸ਼ੀ ਨਾ ਕਰਕੇ ਵੇਖੋ ਤੇ ਇੱਥੇ ਲੜਾਈ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਇਰਸ਼ਾਦ ਕਰਤੀ ਹੈ ਤੇ ਖੁਸ਼ੀ ਮਿਲਣ ਲੱਗੀ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਰੋਜ਼ ਆਪਕੇ ਲਈ ਇੱਕ ਲਿਖਾ ਕਰੂੰਗੀ ਫੋਨ ਪੇ ਫੋਨ ਪੇ ਇਹਨੇ ਡੈਡੀਕੇਟ ਕੀਆ ਕਰੂੰਗੀ ਸੁਣਾ ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ ਲੈ ਸਰ ਆਪਕੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਆਸਾਨ ਇੱਕ 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 ਰੋਜ਼ ਕੀ ਕਾਲ ਮੇ ਇੱਕ ਗਜ਼ਲ ਇਨਕੀ ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ ਇਹ ਟੀਵੀ ਵਾਲਾ ਵਾਦਾ ਹੈ ਪੱਕਾ ਵਾਦਾ ਹੈ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਇਹ ਟੀਵੀ ਪੇ ਕੀ ਹੋਏ ਵਾਦੇ ਉਹ ਵਫਾ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਜੋ ਵੀ ਕਰਤੀ ਹੂੰ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਵਾ ਮੈਂ ਕਰਕੇ ਪੱਕਾ ਵਾਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਸਬਰ ਨਾ ਕਰੀਏ ਤੇ ਤਾਂ ਆਖੀ ਤੁਹਾਡ ਹਟ ਕੇ ਜ਼ੁਲਮ ਕਰੇ ਜੇ ਅਸਾਂ ਸਬਰ ਨਾ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਆਖੀ ਦੋ ਕਦਮ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਚੱਲ ਤੇ ਸਹੀ ਦੋ ਕਦਮ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਚੱਲ ਤੇ ਸਹੀ ਜੇ ਪੂਰਾ ਸਫ਼ਰ ਨਾ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਆਖੀ ਰੱਖ ਪਿਆਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਰੱਖ ਪਿਆਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਰੁਬੀਨਾ ਕਦਰ ਨਾ ਕਰੇ ਤਾਂ ਆਖੀ ਦਿਲ ਦੇ ਬੂਹੇ ਖੋਲ ਸਜਣਾ ਦਿਲ ਦੇ ਬੂਹੇ ਖੋਲ ਸਜਣਾ ਅਸਾਂ ਸੀਨੇ ਨਾਲ ਨਾ ਲਾਈਏ ਤਾਂ ਆਖੀ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਪਿਆਲੇ ਭਰੇ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਪਿਆਲੇ ਭਰੇ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਤੈਨੂੰ ਚੁੰਮ ਚੁੰਮ ਕੇ ਨਾ ਰੱਖਣ ਤੇ ਤਾਂ ਆਖੀ ਤੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਰਸਤੇ ਤੇ ਆ ਮਾਇਆ ਤੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਰਸਤੇ ਤੇ ਆ ਮਾਇਆ ਦਿਲ ਦੇ ਬੂਹੇ ਨਾ ਤੇਰੇ ਲਈ ਖੋਲਾਂ ਤਾਂ ਆਖੀ ਤੂੰ ਰਾਂਝਾ ਮੇਰਾ ਬਣ ਸਜਣਾ ਤੂੰ ਰਾਂਝਾ ਮੇਰਾ ਬਣ ਸਜਣਾ ਮੈਂ ਹੀਰ ਬਣ ਕੇ ਨਾ ਆਵਾਂ ਤਾਂ ਆਖੀ ਪੰਜਾਬੀ ਫਿਲਮੋ ਕੀ ਮੈਨੇ ਆਪਕੋ ਬਤਾਇਆ ਲੈਜੰਡ ਇਹਨੇ ਅੰਜਮਨ ਸਾਹਿਬਾ ਕੇ ਸਾਥ ਜਿਤਨੀ ਔਰ ਸੁਲਤਾਨ ਰਾਹੀ ਮੁਸਤਫਾ ਕੁਰੈਸ਼ੀ ਔਰ ਤਬ ਪੰਜਾਬੀ ਚਲਤੀ ਥੀ ਆਪ ਪੰਜਾਬੀ ਕੀ ਜੋ ਅਭੀ ਵੀ ਉਸਕੀ ਇੱਕ ਡਿਮਾਂਡ ਹੈ ਤੋ ਵੋ ਇਨਕੇ ਉੱਪਰ ਆ ਕੇ ਸੂਟੇਬਲ ਹੋਤੀ ਹੈ ਸਪੈਸ਼ਲ ਇਨਕੀ ਲੈਜੈਂਡ ਆਫ ਮੌਲਾ ਜੱਟ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਮੌਲਾ ਜੱਟ ਕੇ ਬਾਅਦ ਲੈਜੈਂਡ ਆਫ ਮੌਲਾ ਜੱਟ ਮਤਲਬ ਵੋ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਦੁਬਾਰਾ ਰਿਵਾਈਵਲ ਹੋਗਾ ਵੋ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਮੈਂ ਤੋ ਮੈਂ ਔਰ ਪਾਸ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਜਾ ਕੇ ਪਹਿਲੇ ਦੇਖਾਂਗੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਪੋਇਟਰੀ ਸਰ ਐਟਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਕੰਮ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਬੜੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਕਿ ਮੈਂ ਉਹ ਗਜ਼ਲ ਨਦਮ ਪੂਰੀ ਕਰ ਸਕਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸਰ ਤੁਸੀਂ ਮੰਤਰ ਲਿਖ ਲਿਆ 200 ਮੰਤਰ ਲਿਖ ਲਿਆ ਲੇਕਿਨ ਪੋਇਟਰੀ ਨਹੀਂ ਸਰ ਇੱਕ ਮੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਮੰਤਰ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤੇ ਦੋ ਜੇ ਮੇਰੇ ਮਾਰ ਪਈ ਮੈਂ ਛੱਡ ਦਿੱਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਮੇਰਾ ਸ਼ੇਅਰ ਸੀ ਕਿ ਸੀਨ ਸਰੂ ਦਾ ਬੂਟਾ ਹਵਾ ਵਗਦੀ ਹੈ ਤੇ ਡੋਲਦਾ ਨਹੀਂ ਐਸੇ ਮਸ਼ੂਕ ਨੂੰ ਗੋਲੀ ਮਾਰੋ ਕੁੰਡੇ ਖੜਕਾਈ ਅੰਦਰੋਂ ਬੋਲਦਾ ਨਹੀਂ ਮੇਰਾ ਸ਼ੇਅਰ ਬੜਾ ਹਿੱਟ ਹੋ ਗਈ ਔਰ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਹੋਰ ਹਿੰਮਤ ਮੇਰੀ ਕਿ ਅੱਖਾਂ ਚ ਪਾ ਕੇ ਅੱਖਾਂ ਜ਼ਰਾ ਹੱਸ ਪਲੀਏ ਲਾਇਆ ਕਰੋ ਮਾਂ ਦਾ ਜ਼ੇਵਰ ਦੋਵੇਂ ਨਸ ਚਲੀ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਮਾਰ ਪਈ ਬਲਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾ ਸ਼ੇਰ ਨਾ ਮੇਰਾ ਉਹ ਹਿੱਟ ਹੋ ਗਿਆ ਸਰ ਇਹ ਸ਼ੇਰ ਪੋਇਟਰੀ ਆਪਕੀ ਆਪਨੇ ਐਨੇ ਕਾਲਜਿੰਗ ਸੇ ਪਹਿਲੇ ਕੀ ਲਿਖੀ ਇਹ ਪਹਿਲੇ ਕੀ ਜਬ ਮੈਂ ਸਟੇਜ ਡਰਾਮੇ ਕੀਆ ਕਰਤਾ ਅੱਛਾ ਉਸ ਵਕਤ ਸਰ ਐਨਾਂ ਨੇ ਤੇ 11 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਚ ਕੀਤੀ ਨਾ ਸ਼ਾਇਰੀ ਮੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਪੁੱਤ ਹੈ ਨਾ 6 ਸਾਲ ਦਾ ਉਹ ਮੈਂ ਸ਼ੇਰ ਕਹਿੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਇੱਕ ਸ਼ੇਰ ਆ ਗਿਆ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਯੇ ਮੇਰਾ ਫੀਡਰ ਹੈ ਦਾਦਾ ਕੋ ਬਤਾਏ ਦੂਸਰਾ ਕਿਧਰ ਹੈ ਇਹ ਦੇਖੇ ਨਹੀਂ ਸ਼ੇਰ ਹੋ ਗਿਆ ਯਕੀਨ ਕਰੋ 6 ਸਾਲ ਦਾ ਤੇ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਯੇ ਮੇਰਾ ਸ਼ੇਰ ਬਣ ਗਿਆ ਦੇਖੇ ਨਾ ਬੱਚੇ ਟੈਲੈਂਟਡ ਹੈ ਬੱਚੇ ਟੈਲੈਂਟਡ ਹੈ ਯਾਦ ਆ ਰਿਹਾ ਕਿ ਉਹਦੀ ਹੈ
ये मेरा फीडर है, दादाबू मैं दूसरा। अब जाहिर है दादा इतना माशाल्लाह फेमस है और इतने मंत्र, इतने फास्ट मंत्र। आपके वो 6 साल पोते को पता है कि मैं एक सुपरस्टार के घर जी वो ड्रामा देखते हैं जी, वो ज्यादा एनक वाला चीनी निकाला और जब मैं दादा जी हाँ जब वो फिर निकाल के कोई अच्छा सीन है फिर मुझे बताता है ये आपने किसको गायब किया था, अब इसके बाद क्या होगा। वो इसमें यूट्यूब पे देखता है और उसके बाद वो उससे सवाल ड्रॉप करता है और मेरे पास जो सामान पड़ा होता है जादू का उसने आधा सीख भी लिया है। पटवे में आग लग जानी, कपड़े बैठे बैठे चेंज हो जाने, मेरा रुमाल आपके पास निकल आना, आपके पैसे मेरे पास आ जाने, वो उसको सारा ट्रिक्स आ गए। ट्रिक्स ही है, जादू तो है नहीं, ये हाथ के ट्रिक्स हैं सारे और वो उसने आधे सीख लिए। क्या बात है। अच्छा सर 200 आपने मंत्र लिखा है, उसमें से कोई दो चार और मंत्र हो जाएंगे। एक सकूटा गौरा हिट करेक्टर था उसको बुलाने वाला मंत्र है, चौं चौं ची ची चौं चौं ची ची चिचो चिच गंडेरियां खा गया जिन छोटा, कंडे वाली बेरियां बीच उनके बूटा, सच की कोमड़ गेरियां कौन है उनमें जूठा, जहां कहीं भी है तू आ जाओ सकूटा। कॉमन 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 लोग खोले ऐसी क्लास जाने से ना जी, तो हम कहते थे मैडम को मैं कॉमन मैं क्या है लोगो, जिस तरह उल्लू लो हेलो सी कहने हेलो लो सारे कहते हैं, कुछ चीज ना लगा ली जाए वो उल्लू। और मंत्र सी 80 400 20 80 9 2 11 तुसी 400 20 तुसी 9 2 11 ये मेरे को कितों आया। ये कैसे ना एक लड़की का जान लड़की का फोन आया करे मेरे टेलीफोन, तो जब भी उसका फोन आया तो मुझे करूँ तो हेलो कौन बोल रहा है हेलो, 8-10 दफा मैंने कहा इतनी दफा तू फोन करती है मैं कर दूं और तू हर दफा ये पूछती है कि हेलो कौन बोल रहा है, तेरी आवाज की पहचान नहीं। कहती है आप जब भी फोन करें आप कहा करें 80 400 20 80 9 2 11। ये फोन मैंने उससे लिया, पता नहीं बेचारी कहां कब की, 25 साल पुरानी बात है, लेकिन ये चीजें आप मुआशरे से इकट्ठे करते हैं। लेकिन बात ये कि इन्होंने फॉलो भी किया जी, इस बात को हम जरूर आगे बढ़ाएंगे, लेकिन छोटे से ब्रेक के बाद हम दोबारा हाजिर होंगे। नाज़रीन आपने कहीं नहीं जाना, स्टे ट्यून्ड विद अस।